नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हवा फिस्ट्री आर्कियोलॉजी म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आरपीएससी के म्यूजियोलॉजी के पेपर टू को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो यूजीसी नेट जा रहे आरपीएससी क्यूरेटर और म्यूजियोलॉजी के एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कोजो फाइबर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर यूज इन कंजर्वेशन ऑफ पेपर ऑब्जेक्ट्स बिकॉज कोजो हैज। कोजो के रेशो का प्रयोग कागज की वस्तुओं के संरक्षण में होता है क्योंकि कोजो के फर्स्ट शॉर्ट फाइबर्स रेशे छोटे होते हैं, सेकंड ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, थर्ड सर्कुलर फाइबर रेशे गोलाकार होते हैं और चौथा लॉन्ग फाइबर रेशे लंबे होते हैं, और पांचवा है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसको मैंने पांचों वाले पार्ट में नहीं बोलूंगा, तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और आपने जो आंसर चूज किया है वो बताइएगा, और तब तक मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। चलिए, इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन थ्री है, सॉरी ऑप्शन फोर, लॉन्ग फाइबर्स। यहाँ पे बात करते हैं जब कोजो की, तो नॉर्मली जितने जो पेपर जैपनीज पेपर जो होते हैं वो कोजो के ही बने होते हैं, ठीक है। और ये जो है मलबरी ट्री के इनर बार्क से बना होता है, और इसके जो फाइबर्स होते हैं लंबे होने के कारण इसका पेपर जब भी हम लोग उस कंजर्वेशन करते हैं तो उसमें काफी अच्छा यूज होता है, दैट्स वाई। और ये कोजो जो है इसका नाम, अगर आप लोग जैपनीज पेपर्स की बात, कोजो जब भी नाम आएगा तो जैपनीज पेपर के साथ ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका साइड में पिक्चर लगाया हुआ है और उसके फाइबर्स को आप देख के समझ सकते हैं कि इसका किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, असर्शन एग्जीबिशन इज एन आर्ट फॉर्म, प्रदर्शनी कला का एक रूप है, रीजन एंड एग्जीबिशन कैन इलीट एंड एक्साइट अराउज एंड सेटिस्फाई कॉज एंगर शॉक एंड डिप्रेशन, कारण एक प्रदर्शनी उत्तेजित उत्साहित और संतुष्ट कर सकती है, वह क्रोधित कर सकती है, झटका दे सकती है तथा अवसाद कर सकती है। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं कि ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य और ए आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड, ए इज फॉल्स बट आर इज राइट, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। फोर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन वन है। हम लोग देखा जाए तो एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोग अपने अलग अलग चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एग्जीबिशन किसी प्रकार का हो, चाहे वो म्यूजियम का हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे किसी इंडस्ट्री का हो। तो अधिकतर समय म्यूजियम का जो म्यूजियम एग्जीबिशन का जो एम होता है वो यही होता है कि किसी प्रकार से सामने वाले पे एक प्रभाव छोड़ना, और वो प्रभाव वो किसी भी भावनाओं को प्रदर्शित करने में सबसे ज्यादा सहयोगी होता है, और वो जिस प्रभाव को लाने की कोशिश करता है वो अगर उसमें सफल होता है तो कहा जाता है कि म्यूजियम एग्जीबिशन जो है वो अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने के लिए तत्पर है। ये अगर नीचे जो एक्सट्रैक्शन निकाला गया है वो म्यूजियम हेरिटेज मैनेजमेंट जो डॉक्टर वी जयराज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसमें से निकाला गया है, और यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन वन जो है ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे का सही तरीके से व्याख्या भी कर रहे हैं, स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ म्यूजियम एग्जीबिशन विच इज हाईली एडवांटेजस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय प्रदर्शनी की अनूठी गुणवत्ता है जो संचार के संदर्भ में अत्यधिक फायदेमंद है। पहला, इट कैन बी सीन बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, इसे एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देखा जा सकता है। दूसरा, इट इज विजिटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस एंड बैकग्राउंड्स, इसे विभिन्न उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा देखा जा सकता है। थर्ड, इट फैसिलिटेट्स एन एनकाउंटर बिटवीन विजिटर्स एंड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स, यह आगंतुकों और मूल वस्तुओं के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। फोर, इट इज ए स्पेस इन विच पीपल कैन मूव फ्रीली, यह एक ऐसी जगह है जिसमें लोग स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर दीजिए। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है कि यह म्यूजियम जो एग्जीबिशन होते हैं वो ऑब्जेक्ट और जो विजिटर्स होते हैं उसके बीच एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और जब ये कम्युनिकेशन होता है तो म्यूजियम के जितने जो ऑब्जेक्ट है वो पूर्ण रूप से विजिटर के साथ एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके करने के साथ साथ वो उसकी जानकारी भी देते हैं और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी जागृत करते हैं। तो
यहाँ पे फिर उसी बुक से एक्सट्रैक्शन निकाला गया, या कह सकते हैं वहां से डाटा उठाया गया कि एग्जिबिट्स आर द बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द म्यूजियम। एवरी ऑब्जेक्ट पुट ऑन डिस्प्ले हैज ए साइलेंट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इफ द एग्जिबिट डज नॉट स्पीक टू द विजिटर, इट मीन्स द एग्जिबिशन डज नॉट सर्व टू द विजिटर्स। तो देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन, ये हमारा नीचे का इस बुक में किया गया था, उसको मैंने सोचा कि यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर सिर्फ महत्व मायने नहीं रखता, उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन और उसका आंसर कहाँ से आ रहा है ये भी मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड इफ द डिसीजन हैज बीन टेकन टू वॉश ए टेक्सटाइल। यदि किसी वस्त्र को धोने का निर्णय लिया गया है तो वस्त्र को धोने का सही क्रम क्या है? ए रिंस द टेक्सटाइल टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के सभी अवशेष हटाने के लिए वस्त्र को धो लें। बी चूज ए रिसेप्टिकल एंड लाइन इट विथ नेट, एक पात्र चुने और उसमें जाली लगाएं। थर्ड सी यूज नेट टू लिफ्ट द टेक्सटाइल एंड ड्राई इट फ्लैट, वस्त्र को उठाने के लिए नेट का उपयोग करें और उसे सपाट सुखाएं। फोर यूज प्योरेस्ट पॉसिबल वाटर, एड सुटेबल डिटर्जेंट एंड सॉफ्ट क्लीन स्पॉन्जेस टू क्लीन इट जेंटली, इसे धीरे से साफ करने के लिए सबसे शुद्ध संभव पानी तथा उचित डिटर्जेंट और नरम साफ स्पंज का उपयोग करें। नीचे कोड दिए गए हैं, उस कोड से सही कोड को चूज करें। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है। सबसे पहले हम टेक्सटाइल को ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे वो आसानी से उसको धोया जा सके और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, उसमें कोई खोच ना लगे, खरोच ना लगे, उसमें फटने का चांसेस नहीं हो, या वो उस डायरेक्शन में या उस तरीके से ना रखा जाए कि उसमें फटने का चांसेस हो। तो सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे कि हम लोग एक पात्र चुनेंगे, उसमें जाली लगाएंगे और उसके बाद हम लोग उसमें जितना हो सके अच्छे पानी से, साफ पानी से, क्योंकि अगर हम उसे साफ करना है तो सबसे अच्छे पानी से साफ करेंगे, और जो सुटेबल डिटर्जेंट हो सकते हैं या कुछ भी केमिकल्स हो सकते हैं उसका प्रयोग करेंगे। और जब हम लोग कपड़े को रगड़ने की बात आती है तो वहां पे हम लोग स्पॉन्ज टाइप का जो मटेरियल्स होते हैं उसका प्रयोग करेंगे, ना कि वो हार्ड वाले, अन्यथा उससे कपड़ा डैमेज हो सकता है, फट सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितने जो डिटर्जेंट या केमिकल हम लोगों ने उसे साफ करने में यूज किया है उसके हर एक ट्रेसेस को हटाने के लिए काम करेंगे, उसको अच्छे से धो लेंगे और लास्ट में फिर उसको हम एक अच्छे जगह पे लिटा के उसको सुखाएंगे जिससे उसमें कोई क्रीजेज ना बने, वो एक परफेक्टली रूप से सूखे। तो ये आपका राइट आंसर रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मिशन स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसेस द, एक संगठन का मिशन स्टेटमेंट क्या व्यक्त करता है? पहला कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की संस्कृति। दूसरा फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कार्य। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का प्रशासनिक ढांचा। और चौथा पर्पस और रिलेशन फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, सॉरी रिलेशन में बोल दिया, रेशनल है, संगठन के अस्तित्व का उद्देश्य या तर्क। और ये हाँ पांचवा तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट अनुत्तरित प्रश्न का है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, और उसमें इसी चीज को काफी अच्छे से समझाया भी गया है। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में हो सके तो डाल दूंगा, अन्यथा आप मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। किसी संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश देने, मार्गदर्शन देने, संवाद करने, प्रेरित करने और पर्यवेक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। तीसरा प्लानिंग, योजना बनाना। और चौथा डायरेक्टिंग, निर्देशन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। जब हमें किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं या किसी चीज का एम लेके चल रहे होते हैं तो
तो वैसे कंडीशन में हमारे साथ जितने जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट प्रदान करना होता है या एक प्रकार का इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देना होता है जिससे कि हमारा गोल जो है आसानी से अचीव हो पाए और उसे हम लोग डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, द विजिटर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू एन एग्जीबिशन द वे ऑर्गेनाइजर विश, दर्शक हमेशा एक प्रदर्शनी पर उस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं जिस तरह से आयोजक चाहते हैं। दूसरा, द विजिटर्स मस्ट रेस्पॉन्ड टू एन एग्जीबिशन द वे ऑर्गेनाइजर विश, दर्शकों को किसी प्रदर्शनी पर उस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहिए जिस तरह से आयोजकों की इच्छा है। तीसरा, द विजिटर्स मे नॉट रेस्पॉन्ड टू एन एग्जीबिशन द वे ऑर्गेनाइजर्स विश, दर्शक किसी प्रदर्शनी पर उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं जिस तरह से आयोजक चाहते हैं। और चौथा, द विजिटर्स नेवर रेस्पॉन्ड टू एन एग्जीबिशन द वे ऑर्गेनाइजर्स विश, दर्शक कभी भी प्रदर्शनी पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं जिस तरह से आयोजक चाहते हैं। चलिए, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका पिछले वाले क्लास में सेम क्वेश्चन था, बस वहां पे ऑर्गेनाइजर्स के जगह पे डिजाइनर्स लिखा हुआ था, उसमें और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन, ऑल केस डिस्प्लेड शुड फॉल विद इन अ जनरल ऑप्टिमम व्यूइंग बैंड ऑफ 750 to 2000 mm या mm। अभी कथन, सभी शो केस में रखे पदार्थ 750 से 2000 mm के सामान्य इष्टतम व्यूइंग बैंड के भीतर आने चाहिए। रीजन, ऑल द एलिमेंट्स इन ए डिस्प्ले शुड बी विजुअली एक्सेसिबल टू ऑल विजिटर्स, प्रदर्श के सभी तत्व सभी आगंतुकों के लिए दृश्यात्मक रूप से सुलभ होने चाहिए। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन से सत्य है असत्य है और कौन किसका स्पष्टीकरण दे रहा है, उस कोड में से आपको सही कोड चूज करना है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है, बिल्कुल सही। हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे विजिबल लाइट का जो रेंज है उसके हिसाब से देखा जाए तो 400 to 7 nm जो है वहां तक में हम लोग का एक विजिबल रेंज कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं और नैनोमीटर पे यहाँ पे दिया गया, तो जो ए है और आर है वो दोनों सही हैं और एक दूसरे का सही से व्याख्या भी कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर एग्जीबिशन में हम लोग बात करें या हम लोग एक जनरल लाइफ में भी बात करें तो हर एक आदमी अपने सबसे ज्यादा विजुअल सेंसर पे, जिसको सेंस पे जैसे कह सकते हैं ना, आँख पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है। टच पे उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता, ना ही स्मेल पे उतना ज्यादा विश्वास करता है जितना कि वो आंखों पे करता है। दैट्स वाई, और डिस्प्ले में अगर आप व्यूइंग रेंज में वहां पे लाइटिंग इस प्रकार से रखेंगे जिससे कि सभी लोग को अच्छे से सारी ऑब्जेक्ट की कंडीशंस दिख पाए, ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख पाए, इसलिए हमें उसका जो मिलीमीटर में है वो 750 से 2000 mm के व्यूइंग रेंज में रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द एरियाज ऑफ चाइल्ड लर्निंग इन लिस्ट 1 विथ एक्टिविटीज इन लिस्ट 2। सूची 1 में बाल ज्ञान अर्जन के क्षेत्रों का मिलान सूची 2 में एक संग्रहालय में गतिविधियों के साथ करें। लिस्ट 1 में सोशल सामाजिक, बी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, सी फिजिकल भौतिक, डी सेंसरी संवेदी। लिस्ट 2 में पहला गेसिंग या एस्टिमेटिंग अनुमान लगाना, दूसरा सी टच हियर देखना छूना और सुनना, तीसरा इंट्रैक्शन विथ अदर्स दूसरों के साथ बातचीत, और चौथा आर्ट्स एंड क्राफ्ट कला और शिल्प। तो आप इस नीचे दिए गए कोड में बताइए कि कौन सा मैच जो है सबसे सही है। चलिए आपका जो आंसर है सही नहीं है, आपने शुरुआत तो सही किया था, सोशल की बात है, आपने सही ऑप्शन चूज किया कि इंट्रैक्शन विथ अदर जो कि ऑप्शन 1 में भी था। जब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल की तो इंटेलेक्चुअल में हम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि आखिर मैं कितना जगह पे जो मेरी बुद्धि है कितना सही काम कर रही है, मेरा अनुमान कितना सही हो पा रहा है, तो इसलिए बी का जो है वो 1 होगा। और सी की बात करते हैं तो सी फिजिकल है, ठीक है, तो फिजिकल में आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, और सेंसरी जो है उसमें हम अपने सेंस की बात करते हैं जिसमें देखना छूना सुनना प्रमुख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस डज नॉट डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, निम्नलिखित में से
कौन यह सुनिश्चित करता है कि कार्य निष्पादन मानकों से विचलित नहीं हो रहा है? पहला डायरेक्टिंग, निर्देशन, दूसरा कंट्रोलिंग, नियंत्रित करना, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन करना, चौथा प्लानिंग, योजना। देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू है। सिंपल सी बात है कि कोई भी काम जो चलता है तो POLC फ्रेमवर्क पे चलता है। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, तो प्लानिंग में इस तरीके का बात होता है कि हमें क्या चाहिए, हमारा डिमांड क्या है और उसे हम किस तरीके से करने जा रहे हैं, तो वो आपका प्लानिंग होता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है कि फिर उस प्लान पे हम लोग क्या करते हैं, सारे काम करना शुरू करते हैं, और उस सारे प्लान को काम करना जब शुरू करते हैं तो उसमें एक एक लीडर चूज कर देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस काम को देखेंगे, उस पर लीड करेंगे, और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी हो और उसमें कोई दिक्कत ना हो तब हम लोग कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग इंश्योर परफॉर्मेंस अलाइंस विथ स्टैंडर्ड्स थ्रू एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पे है कि जो हम काम कर रहे हैं अगर उसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा जो गोल है, जो हमारा एम है, वो अचीव नहीं हो पाएगा, वो अपने राइट पाथ से भटक सकता है। इसलिए हमें उसे कंट्रोल कर, जब तक गोल तक ना पहुंच पाए तब तक कंट्रोल करते रहना जरूरी होता है। उसमें जो भी रेक्टिफाई करने की बात आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स को वहां पे रेक्टिफाई किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज डिफाइंड एज ए हैंड्स ऑफ और पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप? निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली को नेतृत्व के लिए हैंड्स ऑफ या निष्क्रिय दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है? पहला ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, दूसरा लाइसेज फेयर, तीसरा ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही, और चौथा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। द लीडरशिप स्टाइल डिफाइंड एज ए हैंड्स ऑफ और पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप इज लाइसेज फेयर लीडरशिप। इन दिस स्टाइल द लीडर प्रोवाइड्स लिटिल गाइडेंस और डायरेक्शन टू द टीम, अलाउइंग देम टू मेक देयर ओन डिसीजन एंड हैंडल टास्क इंडिपेंडेंटली। तो हम लोग जनरल लाइफ में भी सब लोग यही चाहता है कि उसे गाइडेंस मिले, फ्री हैंड भी मिले, कि जहाँ पे हम लोग करें और गलती जो है वहाँ पे सिर्फ सुधारा जाए और बाकी काम में जो है वो मेरे अंडर हो, उसमें कोई किसी का रोक टोक ना हो। गाइडेंस के अलावा सिर्फ हमें बताए कि हम क्या करना चाहिए, रोक टोक ना करें। जबकि ऑटोक्रेटिक में क्या हो जाता है कि वहां पे आप कुछ बोल ही नहीं सकते, मतलब आपको जैसे मन है वैसे वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेटिक में नौकरशाही में कि जितना जैसा ऑफिसर बोलेंगे वैसा होगा। लोकतांत्रिक में जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। जबकि लाइसेंस फेयर में क्या है कि यहाँ पे आपको फ्रीडम दिया गया है, वो गाइडेंस सिर्फ देगा, आपको बाकी काम करने की फ्रीडम मिली हुई है और आप उस पर वर्क कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। न्यूट्रल बीटीए इज यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? उदासीन बीटीए का प्रयोग किस प्रकार के वस्तुओं के उपचार में प्रयोग में आता है? पहला एसिडिक पेपर, अम्लयुक्त कागज, दूसरा रेड डॉट अटैक ऑब्जेक्ट, रेड रॉक से ग्रस्त वस्तु, तीसरा वीपिंग ग्लास, रोता हुआ कांच। यहाँ पे मतलब सिंपल सा ट्रांसलेशन कर दिया। चौथा लेडेड ब्रॉन्ज, शीशा युक्त कांच। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसका राइट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन आपका फोर है। हम लोग बीटीए का जब यूज देखते हैं तो वो आपका लेडेड ब्रॉन्ज में होता है और खासकर लेड में। और ये जो एक्सट्रैक्शन निकाला गया है ये एक आर्टिकल से निकाला गया है जिसको आप कंजर्वेशन को अच्छे से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1967 में ब्रॉन्ज डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए मैडसन ने अप्रोच किया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इसमें लगे हुए थे, कुछ कुछ लोगों के नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और या अगर आपको ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन, इफ एनी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और इट्स रेप्लिका इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्प्ले, यूज ऑफ इट्स फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड ए पुअर चॉइस। यदि कोई मूल वस्तु या उसकी प्रतिकृति प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है तो उसकी तस्वीर का उपयोग एक खराब विकल्प माना जाता है। रीजन, फोटोग्राफ्स आर फेथफुल
रिप्रोडक्शन ऑफ हाउ समथिंग एपियर्ड, तस्वीर इस बात का विश्वसनीय पुनरुत्पादन है कि कोई वस्तु कैसी दिखाई देती थी। नीचे कोड दिए गए हैं जिसमें कौन से सत्य हैं असत्य हैं या उसके सही एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण है या नहीं, उसका कोड दिया गया, आप उसमें से राइट कोड सेलेक्ट करें। चलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 4 है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोटोग्राफ को पुअर चॉइस के, अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है और उसके जगह पे मैं फोटो यूज कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए पुअर चॉइस है, तो मतलब वो सही नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आर है वो सही बताया जा रहा है, रीजन कि तस्वीर जो है वो हर चीज का एक प्रदर्शन करता है कि हाँ उस समय स्थिति कैसी थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखा जाए तो एक इसका पहले वाले का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग पहले, अगर जिनके पास वो मान के, मैं तो ये गर्लफ्रेंड वाला यूज करना चाह रहा था कि जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती वो पहले लोग पर्स में फोटो रखते थे, अगर दूर रहते थे तो भाई फोटो चलो वो नहीं है तो कम से कम उसके फोटो से काम चला लेते हैं। अभी के टाइम तो वीडियो कॉल हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, मगर शुरुआती दौर के लिए तो यही स्थिति थी। और आज भी लोग हमेशा फोटो का ही कहते हैं, भाई कम से कम फोटो है, हाँ तो ये वाली चीजें हैं, तो पुअर चॉइस नहीं है, ये काफी अच्छा साधन है कि आपके पास वो एक गांव घर तरफ में, गांव में ये भी बोला जाता है कि नाना से काना मामा अच्छा, मतलब मामा नहीं हो उससे अच्छा काना मामा भी हो तो चलेगा, तो ना होने से कुछ होना बेहतर है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इमोटिव एग्जीबिशन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रदर्शनियां भावनात्मक प्रदर्शनियों की श्रेणी में आती है। पहला स्थेटिक एग्जीबिशन सौंदर्य प्रदर्शनियां, बी इवोकेटिव एग्जीबिशन विचारोत्तेजक प्रदर्शनियां, सी डिडेक्टिक एग्जीबिशन उपदेशात्मक प्रदर्शनियां, और चौथा परमानेंट एग्जीबिशन अस्थायी प्रदर्शनियां। नीचे कोड दिए गए हैं, उस चार ऑप्शन में से कौन कौन से सही है या कौन कौन से इमोटिव एग्जीबिशन के अंतर्गत आते हैं, उसमें से राइट आंसर को आप लोग सेलेक्ट कीजिए। चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम लोग इमोटिव की बात करते हैं, इमोशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सौंदर्य और विचारोत्तेजक या तो हमारे वैसे प्रदर्शनियां जो हमारे कभी कभी भावनाओं को उसके सौंदर्यात्मक रूप से अट्रैक्ट करते हैं, उसके एस्थेटिक से अट्रैक्ट करते हैं, या हमारे अंदर के इमोशन चाहे वो किसी भी टाइप का हो उस इमोशन को वो जागृत करते हैं, उसके अंदर क्यूरियसिटी लाते हैं, उसको एक राइज देते हैं। इस प्रकार से जबकि डिडेक्टिक में एजुकेशन की बात हो जाती है, परमानेंट जो है वो तो परमानेंट ही है। चलिए अगले प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, सूची एक का सूची दो से मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। लिस्ट 1 में ए पोजिशनिंग, बी प्रमोशन प्रोन्नति, सी रिपोजिशनिंग और डी एडवर्टाइजिंग विज्ञापन। लिस्ट 2 में एनी पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड सोर्स, किसी पहचाने गए स्रोत से प्रचार का कोई भी सशुल्क रूप। दूसरा चेंजिंग द पोजिशन इन कस्टमर्स माइंड, उपभोक्ता के दिमाग में स्थिति को बदलना। तीसरा ऑल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज डिजाइन टू बिल्ड कस्टमर प्रिफरेंस, ग्राहक वरीयता बनाने के लिए डिजाइन की गई सभी संचार गतिविधियां। और चौथा एस्टेब्लिशिंग ए डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, ग्राहकों के दिमाग में विशिष्ट स्थान स्थापित करना। कोड दिए गए हैं ब्रैकेट में, आप उस दिए गए कोड में से राइट कोड को सेलेक्ट करें। चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम लोग पोजिशनिंग की बात करते हैं तो वहां पे है कि आप मतलब ये म्यूजियम मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहां पे जो भी ग्राहक है उनके अंदर आप एक विशिष्ट स्थान दे रहे हैं कि हाँ भाई ये जगह जो है काफी अच्छा है, यहाँ से ये चीजें कर खरीद सकते हैं या यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइड है उस सर्विस का हम लोग उपभोग कर सकते हैं। दूसरा है प्रमोशन, कि हाँ प्रमोशन में यही होता है कि भाई इस तरीके का चीज है आपके लिए बना हुआ है, आप ही इसका यूज कीजिए, तो अब कस्टमर को लगता है हाँ भाई हमको ये चीज का दिक्कत है और इस वस्तु से या इस
सर्विस से हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो वो आपका प्रमोशन हो गया। रीपोजिशनिंग में कि फिर से वही कहानी कि अब क्या है कि उसका कस्टमर का माइंड को चेंज कर देना है कि नहीं भाई ये वाला ठीक नहीं, इससे अच्छा ये वाला है, तो वो आपका रिपोजिशनिंग हो गया। और अगर हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, तो एडवर्टाइजमेंट में है कि हम लोग किसी के बारे में बता रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज है, और उसका पैसा भी मिलता है एडवर्टाइजिंग करने का, तो वो यहाँ पे उसी चीज को बताया गया। जैसे कि मैं अभी अपना प्रमोशन करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट, अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो ये मैं भी एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका पैसा भले नहीं लग रहा है तो वो अलग बात है, मैं एडवर्टाइजमेंट मैं विज्ञापन कर रहा हूँ। और इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े, ठीक है, वो फ्री है, आपका यूट्यूब का वीडियो भी फ्री है, तो यहाँ पे आप लोग से पैसा नहीं लगेगा, ना ही मुझे बताने में कोई पैसा लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इज एब्रिविएटेड एज इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है? पहला IASCCP, दूसरा IACS, तीसरा IASCP और चौथा IASC। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है, IASC, इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, जबकि IASCCP का फुल फॉर्म आ जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ कोल्पोस्कोपी एंड सर्विकल, ये कुछ मतलब अलग पार्ट मतलब अलग संस्था बन जाती है। IASCS की बात करते थे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, अगर IASCP की बात करते थे इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, तो ये तीनों जो है वो अलग है, जबकि अगर हम लोग कंजर्वेशन कल्चरल प्रॉपर्टी वाली इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो वहां पे हमारा IASC आएगा, जो कि राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट सॉफ्टन द फाइबर्स, मे नॉट डिस्टर्ब डाइज एंड डू नॉट इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ श्रिंकेज एंड लॉस ऑफ शेप इन लोकल एप्लीकेशन ऑन टेक्सटाइल, वस्त्रों पर स्थानीय अनुप्रयोग में निम्नलिखित में से कौन रेशों को नरम नहीं करता है, रंगों को भंग नहीं करता है और सिकुड़न और आकार के नुकसान को शामिल नहीं करता है? पहला में है व्हाइट स्पिरिट, सफेद स्पिरिट, बी पर क्लोरो एथिलीन, तीसरा है वाटर पानी जल, चौथा है ट्राई क्लोरो एथिलीन। तो इस चार ऑप्शन में से कौन कौन सा ऊपर वाले क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है, उसका बहुत तेज आंसर आप लोग का आ रहा है और सही आंसर आ रहा है, तो चलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पानी जो है, जब भी हम लोग कपड़ा धोते हैं तो नया नया कपड़ा खरीद के आते हैं तो बोलता है कि ये कपड़ा तो यहाँ पे ट्रायल रूम में लगता है बड़ा है, तो दुकानदार बोलता है कि इसको एक बार धोइएगा ये कपड़ा सिकुड़ जाएगा, वो फिर उसके बाद आपको फिट आएगा। तो सिंपल सा वहां हम लोग जनरल लाइफ में सुनते हैं, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साइंस जो है हमारे जनरल लाइफ में देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टारगेटिंग सेवरल सेगमेंट्स यूजिंग इंडिविजुअल मार्केटिंग मिक्स इज कॉल्ड, व्यक्तिगत विपणन मिश्रणों का उपयोग करके कई खंडों को लक्षित करने को क्या कहा जाता है? पहला कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, केंद्रित मार्केटिंग, बी मास मार्केटिंग, सी इंडिविजुअल मार्केटिंग, व्यक्तिगत मार्केटिंग और चौथा डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, विभेदन मार्केटिंग। नहीं, चलिए इसका सबसे जो राइट आंसर है वो आपका आ जाता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, विभेदन मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग की बात किया जाए तो इसे निश मार्केटिंग के रूप में भी जानते हैं, मास मार्केटिंग में आपको मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के पास जाना पड़ता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मार्केटिंग करने की बात करते हैं। इंडिविजुअल में आप एक एक इंडिविजुअल कस्टमर को के डिमांड को ध्यान में रखते हैं, उसके सर्विस को ध्यान में रखते हैं, जबकि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में आपको हर प्रकार के चीजों को एक साथ लेके ये मार्केटिंग मिक्स जो है वो आपका चलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज्ड बाई कंजर्वेटर्स फॉर चूजिंग एडहेसिव फॉर कंजर्वेशन प्रोसेस, संरक्षण संरक्षण प्रक्रियाओं के लिए आसंजक चुनने के लिए
संरक्षकों द्वारा निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? ए दृढ़ेसिव इज इरिवर्सिबल, असंजक अपरिवर्तनीय है। बी दृढ़ेसिव है जे नेचुरल पीएच, असंजक का पीएच तटस्थ है। सी दृढ़ेसिव इमिट्स कुरिसिव गैसेज, असंजक संक्षारक गैसों का उत्सर्जन करता है। और डी दृढ़ेसिव इज कलरलेस, असंजक रंगहीन है। नीचे कोड दिए गए हैं, राइट कोड को सेलेक्ट कीजिए। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हम लोग म्यूजियम में कंजर्वेशन में ऐसा बताया जाता है कि कोई भी ऐसा कंजर्वेशन नहीं कर रहा करना है जो कि इरिवर्सिबल हो। तो यहाँ पे एडहेसिव जो है वो अगर इरिवर्सिबल है तो इसको यहीं पे हटा दिया जाएगा। दूसरा है कि कंजर्वेशन कर रहे हैं तो कंजर्वेशन करने से उसमें मर्क्यूरीज गैस निकलेगा ही, तो फिर तो वो और दिक्कत की बात है। तो ए और सी ऑप्शन यहाँ पे छट जाते हैं और बचते हैं आपका बी और डी, जो कि ऑप्शन 4 में राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एडल्ट लर्नर्स वांट टू मेंटेन कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग इन टर्म्स ऑफ, वयस्क विद्यार्थी अपने सीखने पर किस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं? ए पेस ऑफ लर्निंग सीखने की गति, बी द स्ट्रक्चर संरचना, सी द लर्निंग स्टाइल सीखने की शैली, और डी द कंटेंट सामग्री। तो वीडियो को पॉज कीजिए और राइट कोड सेलेक्ट कीजिए। वेरी गुड, आप लोग बहुत सही और बहुत तेजी के साथ आंसर दे रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो, और खासकर जो एडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, कि भाई मैं अपने टाइप से सीखूंगा, मुझे हर चीज की फ्रीडम चाहिए, चाहे वो पेस ऑफ लर्निंग हो, स्पीड हो, उसका स्ट्रक्चर हो, मैं जिस तरीके से पढ़ना चाहूंगा मैं उसी स्ट्रक्चर में पढ़ूंगा, मेरा सीखने का शैली जैसा, लर्निंग स्टाइल में जिस तरीके से सीखना चाहूंगा मैं उसी तरीके से सीखूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे रट्टा मरवा सकते हैं ना किताब पढ़वा सकते हैं, वो उसके ऊपर। अब कंटेंट सामग्री, उसको जो मन करेगा वही पढ़ेगा। इसके अलावा ऐसा सोचा जाए कि नहीं भाई ये छोड़ो ये पढ़ो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर उसका माइंड घूम जाएगा और वो जो भी पढ़ रहा है वो पढ़ना बंद कर देगा। तो यहाँ पे चारों के चारों सही कोड है और जो कि ऑप्शन 1 में है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द म्यूजियम विल बेनिफिट पीपल विथ मोबिलिटी चैलेंजेस? संग्रहालयों में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान गतिशीलता चुनौतियों वाले लोगों को लाभान्वित करेंगे? ए रैंप्स, बी व्हीलचेयर, सी टैक्टाइल इमेज स्पर्शनीय चित्र, और चौथा डी फायर अलार्म विद फ्लैशिंग लाइट्स, चमकती रोशनी के साथ अग्नि अलार्म। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात की गई है वो आपका जो फिजिकल रूप से चैलेंज पर्सन है उनकी बात हो रही है, जैसे जिनका पैर खराब है, जो चल फिर आसानी से नहीं कर सकते हैं, उनके लिए। तो देखा जाए तो उसके लिए राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 आता है, जिसमें रैंप और व्हील चेयर जो है वैसे लोगों को काफी हेल्प करते हैं। जबकि टेक्टाइल इमेज की बात करते हैं तो वो आपका जो आंख से अक्षम है, मतलब विजुअली जो इम्पेयर्ड है, उनके लिए है। और फायर अलार्म विथ फ्लैशिंग लाइट, ये जो है आपका सिक्योरिटी वाला अलार्म है, तो ये यहाँ का मतलब कोई मैटर ही नहीं करता, तो डी ऐसे ही छट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प विजिटर्स नेविगेट द फिजिकल स्पेस इन ए म्यूजियम? निम्नलिखित में से कौन दर्शकों को संग्रहालय में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मदद करता है? ए मैंडेटरी साइन अनिवार्य संकेत, टू डायरेक्शन साइंस दिशा संकेत, थर्ड सेफ्टी साइंस सुरक्षा संकेत, और फोर्थ इंफॉर्मेशन साइंस सूचना संकेत। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, डायरेक्शन साइंस। मैंडेटरी साइंस का मतलब यह है कि आपको जो जो करना है, मतलब आपको जैसे कि नो स्मोकिंग, तो वो एक प्रकार का मैंडेटरी साइन हो गया कि आपको इस रूल को फॉलो करना ही करना है। फिर आ जाता है सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइंस में कि आप जैसे कि कहीं पे छत जो है नीचे होती तो वहां पे लिखा रहता है माइंड योर हेड, मतलब अपने दिमाग को बचा के चले, तो वो आपका हो गया सेफ्टी साइन कि उससे आपका दिमाग बचा रहेगा, नहीं तो फिर वो गिर जाएगा बाहर, तो वो हो गया। फिर
फिर तीसरा इन्फॉर्मेशन साइंस, वहां पे बताया जाता है कि हाँ इस डिस्क्रिप्शंस दिया गया रहता है, जैसे कि ये दरवाजा है तो वहां पे म्यूजियम है, तो उसका इन्फॉर्मेशन साइन कि हाँ यहाँ यहाँ पे ये चीजें हैं, तो वो आपका इन्फॉर्मेशन साइन हो गया। जबकि अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने की जब बात आती है, फिजिकल स्पेस की बात जब हो रही है, ये तो उसके लिए आपने डायरेक्शन साइन का यूज करना होता है। वहां पे एरो लगाया गया है तो इधर इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए, एग्जिट इधर है, एंट्री इधर है, आपका कैफेटेरिया इधर है, टॉयलेट्स इधर है, बाथरूम इधर है, लेबोरेटरी इधर है, एक्सेट्रा। ओके चलिए अब अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटिंग वीपिंग ग्लास, रोते हुए ग्लास के साथ उपचार के सही अनुक्रम को पहचान करें। ए सोक फॉर शॉर्ट टाइम इन डिस्टिल्ड वाटर, आशुतोष जल में थोड़े समय के लिए भिगोएं। बी स्टोर इन ए ड्राई एनवायरनमेंट विथ RH 42%, RH 42 के साथ शुष्क, 42% के साथ शुष्क वातावरण में स्टोर करें। सी ड्राई इन टू बाथ्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के दो स्नान में सुखाएं, और डी वॉश अंडर रनिंग वाटर, बहते पानी के नीचे धोएं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जो राइट सीक्वेंस है उसे चूज कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 3 है, यहाँ पे जो है गाइडलाइन दिया गया है जिसमें सबसे पहले है कि आपको हमेशा रनिंग वाटर में धोना है, ना कि वहां पे पानी में भिंगाना है। तो वहां पे रेड कलर से लिखा हुआ, डू नॉट लीव ग्लास इन ग्लास टू सोक इन द वाटर, तो आपका डी पहले आ जाएगा जो कि सिर्फ ऑप्शन 3 में है, तो यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। और इधर साइड में आपका देखेंगे कि ऑप्टिमम कंडीशन फॉर स्टोरेज एंड डिस्प्ले ऑफ ए स्टेबल ग्लास ऑब्जेक्ट आर 40 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एंड ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 15 to 25 डिग्री सेल्सियस विथ मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ 5% एंड 4 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली विद इन एनी 24 आवर पीरियड। और इससे संबंधित PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल हवा फेस्टी आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी पर मिल जाएगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची एक को सूची दो के साथ मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए विकल्प का चयन करें। लिस्ट वन में स्टैटिक मीडिया, स्थैतिक मीडिया, बी इंटरेक्टिव मीडिया, सी ओपरेंड मीडिया और डी ऑटोमेटेड मीडिया। लिस्ट टू में द चेंज इन द स्टेट ऑफ डिटरमाइंड बाई विजिटर्स, स्थिति में परिवर्तन दर्शकों द्वारा निर्धारित, दूसरा लेबल पैनल्स, तीसरा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम, स्वचालित रूप से प्रोग्राम किया गया, और चौथा ए डायलॉग बिटवीन विजिटर्स एंड डिवाइस कैन ऑकर, दर्शक और डिवाइस के बीच एक संवाद हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो जो सिलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2 है। हम लोग स्टैटिक मीडिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे स्थैतिक मतलब रुका हुआ, उसमें कोई क्या बोल सकते हैं, उसमें कोई बहाव नहीं है, वो एकदम एक जगह पे स्थिर है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आपका लेबल पैनल जो होता है वो स्टैटिक हो जाता है। जबकि हम इंटरेक्टिव की बात करते हैं तो इंटरेक्टिव में जो विजिटर्स होते हैं और वहाँ पे जो मीडिया चल रहा होता है, उन दोनों के बीच में एक प्रकार से कम्युनिकेशन हो सकता है, एक इंट्रैक्शन हो सकता है, तो आपका इंटरेक्टिव मीडिया हो जाता है। ठीक है, फिर आता है ओपरेंड मीडिया। ओपरेंड मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे विजिटर्स के हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं। और उसके बाद आता है ऑटोमेटेड मीडिया, जो कि अपने आप से कंटिन्यूअस चल रहा होता है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड होता है। तो ये आपका ऑप्शन 2 जो है राइट है। चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मेनी प्रोफेशनल कंसिडर एजुकेशनली इफेक्टिव एग्जीबिशन डिजाइन टू बी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल इंडेवर। कई पेशेवर शैक्षिक रूप से प्रभावी प्रदर्शनी डिजाइन को संभव प्रयास नहीं तो कठिन मानते हैं। रीजन, विजिटर्स रिस्पॉन्ड टू एग्जीबिशन बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्रायर नॉलेज, परसेप्ट पर कॉन्सेप्शंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा। दर्शकों के पूर्व ज्ञान, पूर्व धारणाओं, रुचियों, दृष्टिकोण आदि
सहित कई कारकों के आधार पर प्रदर्शनियों को देखते हैं। नीचे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, उसमें से राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन टू। देखा जाए तो दोनों सही हैं, मगर एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर इफेक्टिव एग्जीबिशन की बात करा जाए और खासकर एजुकेशनली, तो भाई असंभव तो नहीं है, मगर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और हम लोग जैसा भी देखते हैं कि अगर कोई किसी को एजुकेशन देने की जब बात हो जाती है, किसी बच्चे को सिखाने की बात हो जाती है, तो बोला जाता है कि भाई पढ़ो, तो बोले नहीं भाई नहीं पढ़ेंगे, मगर वो असंभव तो नहीं है। बच्चे लोग को एनी हाउ मार पीट के, समझा के, बुझा के, लालच दे के पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज है कि एग्जीबिशन डिजाइन करते समय खासकर उसको एजुकेशनली जो इफेक्टिव बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे विजिटर्स की जब बात की जा रही है, तो विजिटर्स का एग्जीबिशन पे इस तरीके का प्रभाव है कि वो एजुकेशनली हो नहीं हो, वहाँ पे अलग अलग तरीके का भी इमोशंस काम करते हैं। जैसे कि अब कोई इमोटिव एग्जीबिशन है तो वो उस चीज को ध्यान देगा, उसमें सीखेगा क्या, उसका इमोशन उसमें कुछ इफेक्ट करेगा कि हाँ नहीं भाई यहाँ पे हमको ये चीज चाहिए, हमारा ये नॉलेज है। तो मतलब वो अलग अलग लोगों की नॉलेज अलग अलग हो जाती है, अलग अलग चीजें हो जाती है, तो उस हिसाब से देखते हैं। जरूरी नहीं कि वो हर किसी को एजुकेशन ही दिया जा सके। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों तो सही हैं, मगर एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना मतलब फिट नहीं बैठ रहा। इस प्रकार से राइट ऑप्शन टू है। चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय ए म्यूजियम। निम्नलिखित में से कौन से एक संग्रहालय द्वारा पेश किए जाने वाले अमूर्त उत्पाद है? ए स्टोरी टेलिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कहानी सुनाना, बी एग्जीबिशन कैटलॉग, प्रदर्शनी सूची, सी प्रिंट्स एंड रेप्लिकाज ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, कला के कार्यों के प्रिंट और प्रतिकृतियां, और डी गाइडेड टूर्स, निर्देशित पर्यटन। नीचे कोड दिए गए हैं, राइट कोड को सेलेक्ट करें। बिल्कुल सही आपका जवाब है। अगर हम लोग बात करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल की, तो इनटेंजिबल का मतलब जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, मतलब सेंसरी मोशन से, मतलब हमारा जो सेंसेज है उससे हम लोग नहीं देख सकते, क्या बोल सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, वो फिजिकल फॉर्म में होता है टेंजिबल वाले। और तो उस वहाँ पे एग्जीबिशन कैटलॉग जो है वो टेंजिबल हो जाता है, प्रिंट एंड रेप्लिका ये भी टेंजिबल हो जाता है, जबकि स्टोरी टेलिंग सुनाते हैं या गाइडेड टूर देते हैं तो वो उसमें कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो एक प्रकार से आपका इनटेंजिबल हो जाता है। तो ए और डी राइट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन टू में है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर शेयर्ड बाई ऑल फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। प्रत्यक्ष विपणन के सभी रूपों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं साझा की जाती हैं? ए द मैसेज इज नॉर्मली एड्रेस टू पब्लिक एट लार्ज, संदेश आमतौर पर बड़े पैमानों पर जनता को संबोधित करता है। बी द मैसेज कैन बी कस्टमाइज टू अपील टू द इंडिविजुअल, संदेश को व्यक्ति की रुचि अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। सी ए मैसेज कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी क्विकली फॉर डिलीवरी टू एन इंडिविजुअल, संदेश किसी व्यक्ति को देने के लिए बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है। और डी द मैसेज कैन बी अल्टर्ड डिपेंडिंग अपॉन पर्सन रिस्पॉन्स, संदेश को व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर बदला जा सकता है। चलिए आपका आंसर जो है वो राइट नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू, बी सी डी। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का, तो डायरेक्ट में आप पब्लिक को नहीं कर सकते हैं, पब्लिक मतलब मास हो गया, बहुत ज्यादा नंबर हो गया। और यहाँ पे है कि इंडिविजुअल जहाँ पे आएगा, वन पर्सन जहाँ पे आ जाएगा, वो आपका हो गया आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, तो वहाँ पे एक एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है वैसे मार्केटिंग में, और जबकि आप पूरे मास को एक बार टारगेट कर रहे हैं तो वो आपका डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं हो पाए, मतलब नहीं उस पर उस कैटेगरी में नहीं आता, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो आप इस यहाँ से भी छाट सकते हैं कि जिसमें पब्लिक है वहाँ उस ऑप्शन को छाट दीजिए, और जो जो बाकी बचे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम
लेदर ड्रेसिंग आर ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग के घटक कौन कौन से हैं? ए लेनोलिन, बी लेमन ग्रास ऑयल नींबू घास का तेल, सी हेक्सेन और डी बीज वैक्स। नीचे कोड दिए गए उस कोड में से राइट कोड को सेलेक्ट करें। ये क्वेश्चन मैंने एक बार पीवाईक्यू में भी बताया था। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हम लोग लेनोनिन का 200 ग्राम यूज करते हैं, सीडर ऑयल जो कि फंगिसाइड के रूप में एक्ट करता है 30 ml, बीज वैक्स जो है वो आपका ऑप्शनल है, और 330 ml जो है वो हेक्सेन सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है ब्रिटिश म्यूजियम लेदर ड्रेसिंग में। चलिए अगले प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंसर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। निम्नलिखित में से किसका उत्तर नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा दिया जाता है? ए व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव, हम क्या हासिल करने जा रहे हैं? बी आर वी ऑन शेड्यूल, क्या हम निर्धारित समय पर हैं? सी आर द स्टैंडर्ड बीइंग मेट, क्या मानकों को पूरा किया जा रहा है? और डी आर वी ओवर स्पेंडिंग, क्या हम अधिक खर्च कर रहे हैं? तो कोड दिए गए हैं, कोड जल्दी सेलेक्ट करें आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है, बी सी डी। जैसा कि हम लोगों ने भी शुरुआती दौर में पढ़ा था, प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग सॉरी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग, तो वहां पे हम लोग जो प्लानिंग देखे थे कि व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव, वो आपका प्लानिंग में हो जाता है। जबकि सारे काम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो कंट्रोलिंग होता है। तो यहाँ पे वही चीज है कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सही टाइम से जो हम लोग प्लान किए वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, और उसमें लगेगा कि नहीं भाई प्लानिंग तरीके से नहीं चल रहे, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उस क्या है कि टाइमिंग चेंज करें, कि शेड्यूल को थोड़ा सा और टाइम को स्पीड अप किया जाए, उस वर्क को स्टैंडर्ड जो है वो मीट कर रहा है कि नहीं, मतलब जैसा कि जिस काम को जिस लेवल पे ले जाना है उस लेवल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ कहीं हम लोग ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे, कंटिजेंसी ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो वो आपका यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए जो है वो आपका प्लानिंग के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कंजर्वेशन ट्रेनिंग इन इंडिया ऑन ए रेगुलर बेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में नियमित रूप से संरक्षण प्रशिक्षण प्रदान करता है? ए एनजीएमए, बी एनआरएलसी, सी आईजीएनसीए और डी एनएमएनएच। वीडियो को पॉज कीजिए, ये म्यूजियोलॉजी वाले जितने जो लोग हैं उनके लिए तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि तो उन्हें कंजर्वेशन का जब भी ट्रेनिंग लेने जाते तो वहां पे जरूरी हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, एनजीएमए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये आपका कोई भी कंजर्वेशन का ट्रेनिंग नहीं देता है। दूसरा एनआरएलसी नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन, ये बिल्कुल देता है 6 महीने का, और इसका इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेगा जब भी इसका कोर्स स्टार्ट होता है या उसके एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो दूसरा बात करते हैं फिर आईजीएनसीए का, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इसमें दो ऐसे कोर्स चलते हैं जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं। पहला है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रिवेंटिव कंजर्वेशन पीजीडीसीपी, और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अप्लाइड म्यूजियोलॉजी पीजीडीएम। ठीक है, और फिर आ जाता है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एनएमएनएच, तो ये भी आपको कोई कंजर्वेशन का ट्रेनिंग नहीं देता है। तो आपका बी और सी ऑप्शन जो है वो राइट है, जो कि ऑप्शन 1 में है। चलिए अगले प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एनआरएलसी एस्टेब्लिश ईस्ट रीजनल लेबोरेटरी इन एनआरएलसी के क्षेत्रीय प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पहला मैसूर, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ और चौथा गांधीनगर। देखिए ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, और जब मैं इस पे मतलब जानकारी मैं ले रहा था तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा, और इसका प्राय डाटा भी हर जगह पे नहीं मिल रहा था कि जहाँ पे सारी चीजें सही तरीके से हो, मगर मैंने उसका फोटो जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ, आप लोग जाके देख सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्स मतलब जो पेज है वहां से उठाया गया। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 है, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, ये जो है इसका स्टार्टिंग जो है 1976 में हुआ,
इसका और अपना जो बिल्डिंग है, जो मेन एक प्रकार से हेड ऑफिस जो है वो आपका 1987 अलीगंज लखनऊ में है, और इसका जो रीजनल लेबोरेटरी है वो मैसूर में है। इससे संबंधित जो इसका फोटो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे देखने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जल्दी इसका कोई कहीं पे अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस इन विच एन एडेप्टेबल मटेरियल इज ग्लू टू द फेस ऑफ पेंटिंग टू प्रोटेक्ट द पेंट लेयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसमें उपचार के दौरान पेंट परत की रक्षा के लिए एक अनुकूलनीय सामग्री को पेंटिंग के चेहरे पर चिपकाया जाता है, को क्या कहा जाता है। पहला रिलाइनिंग, बी लाइनिंग अस्तर लगाना, सी फेसिंग और डी फिक्सेशन निर्धारण। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है फेसिंग है। बिल्कुल सही आपका भी जवाब आता है कि हम लोग जब भी पेंटिंग का वर्क होता है तो उसका मेन पार्ट को बचाने के लिए उसके ऊपर में जो है हम लोग जो भी मटेरियल अप्लाइड करते हैं, ग्लू करते हैं, वो आपका फेसिंग कहलाता है। जबकि रिलाइनिंग की जब बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल वर्क है उसमें जब भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो उसे हम लोग जब कंजर्वेशन प्रोसेस में करते हैं तो वो रिलाइनिंग कहलाता है, और लाइनिंग जो है सबसे पीछे लगता है, और ये सारे प्रोसेस को कहना ही फिक्सेशन कहलाता है। क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन के अंतर्गत भी कह सकते हैं फिक्सेशन कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है इसको फिक्स किया जाए, ठीक है। और थोड़ा सा एलोबरेट मेथड में यहाँ पे नीचे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संचार चैनल का एक उदाहरण है। पहला पोस्टर, दूसरा बिलबोर्ड, तीसरा ईमेल और चौथा प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट एड। बिल्कुल सही आपका जवाब है, ईमेल जो है वो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है, जबकि पोस्टर, बिलबोर्ड और प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट एड ये सारे जो है पब्लिक है। चलिए अगले प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ड्राइड पाम लीव्स मैन्युस्क्रिप्ट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स आर ट्रीटेड फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी विथ, सूखी हुई ताड़ पत्र की पांडुलिपियों को लचीला बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पहला कोकोनट ऑयल, खोपड़े का तेल, दूसरा लिंसिड ऑयल, तीसरा बीज वैक्स, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम और चौथा सिट्रोनेला ऑयल, सिट्रोनेला का तेल। खोपड़े का तेल यहाँ पे बोला जा सकता है कि नारियल का तेल होता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो आपका सिट्रोनेला का तेल है। तो ये है अभी क्वेश्चन ऐसा था, देखिए जिसका भी आंसर है वो सारे आंसर का जो सोर्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे तो वहां पे भी कर सकते हैं, जो कि अगर आप चाहते हैं किसके बारे में या और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे जुड़ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करिए, करवाइए जो भी आपके मित्रगण हैं, दोस्त लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल फैक्टर्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन दैट इन्फ्लुएंस विजिटर्स एक्सपीरियंस, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक कारक हैं जो विशेष रूप से प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है, जो आगंतुकों के अनुभव को प्रभावित करते हैं। पहला आर्किटेक्चरल स्टाइल, स्थापत्य शैली, दूसरा विंडोज खिड़कियाँ, तीसरा ओपन डोर्स खुले हुए दरवाजे और डी अदर विजिटर्स अन्य दर्शक। नीचे कोड दिए गए हैं, राइट कोड सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सारे में तीन तीन ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब एक को छाटना है, एक गलत को हटाइएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन टू है, ए बी सी। यहाँ पे बात किया जा रहा है फिजिकल फैक्टर, ये ह्यूमन जो है अदर विजिटर्स फिजिकल फैक्टर्स में नहीं आते हैं, बाकी आर्किटेक्चरल स्टाइल, विंडोज, ओपन डोर्स ये सारे आपका फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं, जो कि अगर मान के चलिए कहीं पे जाते हैं और वहां पे खिड़की ना मिले थोड़ा सा, और खासकर कोलकाता में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। टेम्परेचर होता 35 डिग्री और वो फील्स लाइक में बताता 48 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट्स इज यूज्ड इन एन एक्वियस डी एसिडिफिकेशन ऑफ पेपर, निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का कागज को अम्ल रहित करने की जलीय विधि में प्रयोग किया जाता है।
पहला सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट का घोल। दूसरा मैग्नीशियम मेथॉक्साइड इन मिथाइल, क्या लिखा हुआ, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। तीसरा मैग्नीशियम एसीटेट पॉलीविनाइल एसीटेट सॉल्यूशन। चौथा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन मिथाइल अल्कोहल। जैसा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और मैं थोड़ा केमिस्ट्री में हूँ भी, तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, इतने लंबे चौड़े वर्ड है। चलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन वन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, ये मतलब जब भी डिसएसिडिफिकेशन की बात आती है और खासकर एक्वस डिएसिडिफिकेशन, तब वहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक एल्कलाइन है या कह सकते हैं एक बेसिक फीचर ये रखता है, तो जो कि न्यूट्रल कर देता है, एसिड को खत्म कर देता है। कल भी इस पे साथ चर्चा किए थे। क्वेश्चन नंबर 37, प्रिजर्विंग टर्निश ऑन सिल्वर ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड ए बेटर ऑप्शन रेदर देन रिमूविंग इट बाय क्लीनिंग। चांदी की वस्तुओं पर मलिनता को संरक्षित रखना एक बेहतर विकल्प माना जाता है बजाय इसे साफ करके हटाने के। रीजन, द प्रेजेंस ऑफ टर्निश कैन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, मलिनता की उपस्थिति एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य कर सकती है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कौन कौन से सही गलत और कौन किसका राइट एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में ऑप्शन दिया गया, राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वन है। देखा इसको जनरल लाइफ से अगर इसमें इसको समझा जाए तो हम लोग होली में कैसे कपड़ा पहन के होली खेलने जाते हैं, जो पहले से गंदा होता है ना, कि साफ कपड़ा पहन के जाते हैं होली खेलने। क्योंकि रीजन क्या हो जाता है कि अगर खराब कपड़ा पहन मतलब पहन के जाएंगे, गंदा कपड़ा पहनेंगे, तो भाई गंदा पहले से उसमें और कलर आ जाएगा तो क्या ही दिक्कत है, मगर साफ कपड़ा पहन के जाते हैं उसमें गंदा लग जाएगा तो हटाना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं होता है, मगर अंदर से बहुत खराब लगता है कि भाई ये साफ सुथरा था क्यों गंदा हो गया। तो वैसा कंडीशन यहाँ पे भी हो जाता है कि अगर चांदी पर हमारा टर्निशिंग हुआ है तो उसको एज ए लेयर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में रखते हैं कि वो ज्यादा मलिन नहीं होगा, मतलब ज्यादा वो खराब नहीं करेगा सिल्वर को। अगर वो हटा देते तो फिर से एक लेयर जो है टर्निशिंग होना शुरू हो जाएगा, ऐसे करते करते हमारा जो सिल्वर जो है वो हमारा धीरे धीरे कोरिजन होना शुरू हो जाएगा, वो एक प्रकार से उसका लेयर जो है घटते चला जाएगा। तो ये एक सीन है, उसी आधार पर यहाँ पे आंसर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प रिड्यूसिंग और इलिमिनेटिंग रिफ्लेक्शन इन द शोकेस। निम्नलिखित में से क्या शोकेस में प्रतिबिंबों को कम करने या समाप्त करने में मदद कर सकता है। पहला पोजिशनिंग स्पॉटलाइट्स विथ केयर, सावधानी के साथ स्पॉटलाइट को लगाना। बी, बाय नॉट प्लेसिंग केसेज अपोजिट इच अदर, शोकेस को एक दूसरे के सामने न रखकर। तीसरा, बाय इंक्लाइनिंग द ग्लासेस, कांच को झुकाकर लगाने से। और चौथा, बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एम्बियंट लाइट, परिवेश प्रकाश के स्तर को बढ़ाकर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, राइट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सबने तीन तीन दिए गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है कि उसमें से जो एक ऑप्शन जो सबसे ज्यादा गलत लगता है तो उसको छांटने की कोशिश कीजिए, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे रहता है कि दो तीन चार ऐसे करके रहता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, मगर यहाँ पे दिखा रहा है कि तीन तीन है तो उसमें से एक गलत के साथ ही राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही था, इसका राइट आंसर ए बी सी है। हम लोग एम्बिएंट लाइट को अगर बढ़ा देंगे तो वो और भी ज्यादा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा कम होने के बजाय। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। लिस्ट वन में एजुकेशन शैक्षिक, बी पॉपुलर लोकप्रिय, सी रिसर्च अनुसंधान और डी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक। लिस्ट टू में जर्नल्स पत्रिकाएं, एनुअल रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट,
टीचर्स रिसोर्स पैक, शिक्षकों का संसाधन पैक, और डी चौथा वेब और अदर इंटरनेट पेजेस, वेब या अन इंटरनेट पेज। वीडियो को पॉज कर इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन टू है, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो टीचर से संबंधित हो जाएगा, पॉपुलर की बात करेंगे तो अभी के समय में जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर वो चाहे कोई भी हो, वो लंबे जैसे कि डॉली चाय वाला वो सोशल मीडिया फेमस होते होते वो बिल गेट के साथ मिल जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे तो कंडीशन है। रिसर्च की अगर बात करते हैं तो उसमें रिसर्च जो है जर्नल्स में छपता है, और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना एनुअल रिपोर्ट छापते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया एक्सेट्रा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेड रेज आर यूज टू डिटरमाइन इनविजिबल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग पराबैंगनी और अवरक्त किरणों का उपयोग वस्तुओं की अदृश्य विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल है पहला द एज ऑफ वर्निश, वर्निश की उम्र, वर्निश की उम्र, वर्निश में पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ पेटिना, पेटिना की उपस्थिति, तीसरा केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना, और डी प्रेजेंस ऑफ रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना की उपस्थिति। वीडियो को पॉज कीजिए और राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। इसमें से जैसे तीन तीन दिए गए हैं तो उसमें से जो गलत है वो ऑप्शन को हटाइए, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन टू है। यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो है जो गलत ऑप्शन है कि भाई लाइट के आधार पर आप किसी चीज का केमिकल कंपोजिशन नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है, बाकी आप सारी चीजें पता कर सकते हैं, उसका रेस्टोरेशन देख सकते हैं, पेटिना है या नहीं देख सकते, वार्निश का एज भी पता लगा सकते हैं, मगर आप उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं देख सकते जब तक उसका आप रिएक्शन या लैब रिसर्च मतलब प्रोसेस नहीं कीजिएगा तब तक। इस प्रकार से ऑप्शन टू जो है राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची एक का सूची दो से मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। लिस्ट वन में स्ट्रेंथ ताकत, बी वीकनेस कमजोरियां, सी अपॉर्चुनिटी अवसर, डी थ्रेट खतरे। लिस्ट टू में इनएडिक्वेट रिसोर्सेज अपर्याप्त संसाधन, दूसरा इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, तीसरा एबिलिटी टू इनोवेट नवाचार करने की क्षमता, और चौथा विलिंगनेस ऑफ कॉरपोरेट टू स्पॉन्सर प्रायोजित करने के लिए कॉरपोरेट की इच्छा। नीचे कोड दिए गए हैं, राइट कोड को सिलेक्ट कीजिए। चलिए आपका आंसर जो है राइट वो आपका फोर है, ए का थ्री स्ट्रेंथ जो है एबिलिटी टू इनोवेट, कि आपके पास पावर है आप किसी चीज को लागू कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, मगर अगर वीकनेस की बात किया जाए तो वो है आपके पास उतना संसाधन नहीं है। जैसे कि मेरे पास संसाधन नहीं था तो अभी तक मेरा कोर्स जो है लटका हुआ है, अन्यथा मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियो ला देता। फिर तीसरा है अपॉर्चुनिटी कि विलिंगनेस टू कॉपरेट टू स्पॉन्सर, अब क्या है कि प्रायोजित करने के लिए कॉपरेट से इच्छा, कि जैसे जैसे हमें मिला कि दो चार स्टूडेंट मिल रहे हैं तो भाई चलो पढ़ा देते हैं, तो हमारा अपॉर्चुनिटी हो गया। उसके बाद आता है थ्रेट्स कि पैसे का यहाँ कमी है, स्टूडेंट्स कम है, पैसे कम होते हैं, तो ये आपका थ्रेट हो गया। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, तो ये इस जनरल लाइफ में भी इसी तरीके से चलता है। हमारे साथ तो ये क्वेश्चन जब मैं बना रहा था तो मुझे लगा कि भाई ये तो मेरे कंडीशन को दिखा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच इंसेक्ट इज यूज इन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम टू क्लीन एनिमल स्केलेटन। प्राकृतिक विज्ञान में पशुओं के कंकालों को साफ करने के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है, पहला कॉकरोचेज, दूसरा डर्मिस्टेट बीटल, तीसरा टर्माइट्स, और चौथा सिल्वर फिश। बहुत ही जी क्वेश्चन आप लोगों ने तेजी मतलब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब। इस पर मैंने वीडियो भी दिखाया था, कुछ लोगों को खाते से उल्टी भी आ गया था,
इसको देख, उस वीडियो को देख के। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चर्चा ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेमोग्राफिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन से बाजार विभाजन के जनसांख्यिकीय आधार है? पहला एज, जेंडर, इंटरेस्ट, ओपिनियंस एंड इनकम। यहाँ पे जो कोड दिए गए हैं थोड़ा सा डिफरेंट दिए गए हैं, तो ये आंसर थोड़ा सा टफ हो जाता है। म्यूजियम मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन 4 है, ए बी ई। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड किया हूँ कि 4 टाइप्स के मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं। पहला जियोग्राफिक, जियोग्राफिक में आपका रीजन, कंट्री साइज, सिटी साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी और क्लाइमेट। अगर ये चीजें होंगी, रीजन, कंट्री साइज, सिटी साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी और क्लाइमेट, तो आपका जियोग्राफिकल मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, वो उसका बेस। अगर हम देखते हैं एज, जेंडर, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ स्टाइल, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, नेशनलिटी, तो ये आपका डेमोग्राफिक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एज, जेंडर और इनकम जो है वो आपका डेमोग्राफिक बेस से मैच कर रहा है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मगर उसके साथ अब तीसरा देखेंगे साइकोलॉजिकल, जिसमें सोशल क्लास, लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटीज, तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल हो गया। फिर आ जाता है बिहेवियरल, परचेज ओकेजन, बेनिफिट शॉट, यूजर स्टेटस, यूजेज रेट, लॉयल्टी स्टेटस, रेडीनेस स्टेट, एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ये सारे आपका बिहेवियरल बेसिस हो जाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का। तो ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि आपके नेट वाले एग्जाम में पूछा जा सके या अगले म्यूजियोलॉजी के एग्जाम में पूछा जाए, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर तब तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेस प्रोग्रेस। परियोजना की प्रगति की निगरानी और नियंत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की जाती है? पहला डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना के दायरे को परिभाषित करना। दूसरा ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना। तीसरा ट्रबल शूट कंटिजेंसी, आकस्मिकताओं का निवारण करना। और चौथा प्रिपेयर शेड्यूल, कार्यक्रम तैयार करना। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं शायद पहले दे चुका हूँ, बस उसको अगर अपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर काफी इजीली तरीके से दे सकते हैं। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3, कंटिजेंसी को भाई हटाना। सबसे ज्यादा कंट्रोल अगर आप किसी भी चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम का अच्छे से मॉनिटर किया जाए, उसका प्रोग्रेस अच्छे से हो, आप उस पर कंट्रोल चाहते हैं, तो आप बाहरी खर्चा, जितने जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं, खर्चे होते हैं, उसको रोकना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जबकि प्रिपेयर शेड्यूल की अगर जो ऑप्शन आप लोगों ने चूज किया है, वो आपका प्लानिंग में आ जाता है कि भाई सारा चीज जो है वो आपका प्लानिंग के अंतर्गत शेड्यूल करते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे कंट्रोलिंग की बात है, और इस पे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन पे भी चर्चा की थी, तो इसलिए मैंने बोला कि कंटिजेंसी से अगर बच जाते हैं, उसको ट्रबल शूट कर लेते हैं, उसको उसका निवारण कर लेते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट जो है अच्छा प्रोग्रेस करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट फ्लूइड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन आर फर्स्ट फिक्स्ड इन ए फिक्सेटिव सॉल्यूशन, यूजुअली फॉर्मेल्डिहाइड। अधिकांश द्रव संरक्षित नमूनों को पहले फिक्सेटिव घोल में ठीक या फिक्स किया जाता है, आमतौर पर फॉर्मेल्डिहाइड में। रीजन, फिक्सेशन इज ए केमिकल ट्रीटमेंट दैट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड बाई फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। फिक्सेशन एक रासायनिक उपचार है जो रासायनिक बंधन बनाकर प्रोटीन के टूटने पर अमीनो एसिड बनने से रोकता है। चलिए आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लर्निंग इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2। सूची 1 में सीखने से संबंधित अवधारणाओं को सूची 2 में उनके अर्थों के साथ मिलान करें। लिस्ट 1 में प्रिडिक्ट, इन्फर, आइडेंटिफाई और नेम। लिस्ट 2 में सेलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई पॉइंटिंग टू इट, किसी वस्तु को इंगित करके उसका चयन करना। दूसरा, स्पेसिफाई व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, निर्दिष्ट करना कि किसी वस्तु को क्या कहा जाता है। थर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक अवलोकन की व्याख्या। और फोर,
ए स्पेसिफिक फोरकास्ट ऑफ व्हाट ए फ्यूचर ऑब्जर्वेशन विल बी, भविष्य के अवलोकन का एक विशिष्ट पूर्वानुमान। नीचे कोड दिए गए हैं, आप लोग इतनी जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आप लोग आंसर दे दिए और अभी राइट आंसर, बोगैम्बो खुश हुआ। चलिए अगले प्रश्न। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारे यूट्यूब पे जो लोग देखेंगे उनके लिए। प्रिडिक्ट करना मतलब कि भविष्य देखना, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे भविष्य का अवलोकन, एक विशिष्ट पूर्वानुमान, फ्यूचर की बात हो रही है। इन्फर, तो इन्फर में है कि आप एक प्रकार से जो भी चीज देख रहे हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई ऐसा था वैसा था ये चीज है। जैसे मैं क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, क्या चीजें चल रही है। फिर आता है आइडेंटिफाई, अब किसी चीज को भाई देखो वो जा रहा है, वो आ रहा है, पॉइंट कर देते हैं। तो वो आपका क्या है कि आप उस चीज को ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हवाई जहाज जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है। बचपन में हम लोग बोलते देखो वो पर्सन जा रहा है हेलीकॉप्टर से, अधिकतर नेता लोग का नाम दिया जाता था। फिर आ जाता है चौथा नेम, तो नेम उस वस्तु को क्या बोला जाए, जो ऑब्जेक्ट हो किसी को और किसी चीज से बुलाते हैं वो उसका नाम है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम दिए वो आपका नाउन हो गया, वही नेम हो गया। ये सिंपल मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मत बेसिकली कहा जाए तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47, मैच आउटकम्स ऑफ एन एग्जीबिशन लिस्ट वन विथ देयर एग्जाम्पल इन लिस्ट टू। सूची एक में प्रदर्शनियों के परिणामों का मिलान सूची दो में उनके उदाहरणों के साथ करें। पहला कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, दूसरा इफेक्टिव भावनात्मक, तीसरा मोटर रिएक्शन मोटर प्रतिक्रिया, चौथा नॉन टास्क आउटकम गैर कार्य परिणाम। लिस्ट टू में एंजॉयमेंट आनंद प्राप्ति, दूसरा यूजिंग माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप का उपयोग करना, तीसरा मैनेजिंग बिहेवियर ऑफ ए चिल्ड्रेन इन द एग्जीबिशन प्रदर्शनी में बच्चों के व्यवहार का प्रबंधन, और चौथा आस्किंग क्वेश्चन प्रश्न पूछना। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 3, मगर ये जो आंसर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, या कह सकते हैं इसका क्वेश्चन जो पूछा गया वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कि कॉग्निटिव जो है वो तो आपका सही है कि आप संज्ञानात्मक आप ज्ञान ले रहे हैं नॉलेज ले रहे हैं तो प्रश्न पूछ रहे हैं। इफेक्टिव की अगर बात इफेक्टिव की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, तो ये भी चीज है कि आप आनंद ले रहे हैं, आप उस चीज को मतलब भावना दिखा रहे हैं कि हाँ हमें खुशी मिल रही है, ये सारी चीजें। जब बात करते हैं हम मोटर रिएक्शन की, तो मोटर रिएक्शन में आपका जाता है मोटर यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मोटर रिएक्शन में यूजिंग ए माइक्रोस्कोप किस प्रकार से होगा, मगर अब जैसा आरपीएससी ने आंसर के दिया है उसके हिसाब से तो ये है। मगर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या इसको क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट वाले में ऐड किया जा सकता था। और उसके बाद आ जाता है नॉन टास्क आउटकम, ये ऑप्शन तो ठीक लगा मुझे डी वाला, कि मैनेजिंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन इन द एग्जीबिशन। तो भाई इसमें कोई हमें कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, हमको कोई परिणाम ऐसा नहीं मिलेगा, काम करना कुछ और है। मगर अब हम किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं म्यूजियम में, और साथ ही साथ एग्जीबिशन में, और साथ ही साथ उस बच्चे के बिहेवियर, भाई बाबू उधर नहीं जाओगे, बाबू इसको हाथ नहीं लगाओगे, इधर रहो, सब लोग लाइन में खड़े रहो, हल्ला नहीं करो, ऐसे वाली सारी जो चीजें हो जाती है, तो वो नॉन टास्क आउटकम है। ठीक है, काम तो है हमारा बच्चों को बताना, मगर ये नहीं बताना कि भाई बाबू तुमको इधर उधर नहीं आना जाना है, वैसा कहानी नहीं। तो मुझे ये ऑप्शन सी वाला जो है मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यहाँ पे यूजिंग ए माइक्रोस्कोप क्यों दिया है। ठीक है, अगर किन्हीं को पता है इसके बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में देके मेरे मेरे ज्ञान में वृद्धि करें, इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। या हमारे टेलीग्राम चैनल में उससे संबंधित अगर कोई पीडीएफ या फोटो है तो जरूर शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इट इज रिकमेंडेड दैट ड्रेसिंग शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन हिस्टोरिक लेदर ऑब्जेक्ट। यह अनुशंसा की जाती है कि ऐतिहासिक चमड़े की वस्तुओं पर ड्रेसिंग नहीं लगानी चाहिए। रीजन, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू अप्लाई ड्रेसिंग, ड्रेसिंग लगाना काफी महंगा होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। पहला सही है कि हमेशा खासकर हिस्टोरिक लेदर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसमें बार बार ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए, और जब तक मतलब जरूरी ना हो जाए। क्योंकि अगर आप ड्रेसिंग करने जाते हैं तो अलग अलग केमिकल जो है उस पुराने लेदर को पेनिट्रेट करते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो सकता है। तो इसके लिए उसमें
सारे लोग को बोला जाता है कि भाई उस पर ज्यादा ड्रेसिंग की बात ना किया जाए हिस्टोरिक लेदर पे, जबकि एक्सपेंसिव नहीं है ड्रेसिंग करना लेदर का, बस उसका क्या है कि कंजर्वेशन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसे ज्यादा दिन तक कंजर्व करके रखना, तो इधर से यहाँ पे बोला जाता है कि भाई नहीं करना, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। चलिए अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम इज नॉट कवर्ड अंडर आरटीए एक्ट 2005, आरटीए अधिनियम 2005 निम्न में से किस संग्रहालय पर लागू नहीं होता है? पहला किरण नादन संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा सलारजंग म्यूजियम संग्रहालय हैदराबाद, तीसरा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, चौथा नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही और तेजी के साथ है, किरण नादर म्यूजियम। सिंपल सा बात है, आरटीए भाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे लागू होता ही नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन 1 जो है किरण नादर वो आपका प्राइवेट है, या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक नहीं है, दैट्स वाई उस पर आरटीए का रूल लागू नहीं होगा, जबकि बाकी पे लागू होगा, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ ए डिजास्टर, आपदा के समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की जाती है? पहला इवैक्यूएशन निकासी, दूसरा प्रिपेयर ए कॉल अप लिस्ट ऑफ नॉन म्यूजियम गैर संग्रहालय कर्मियों और संगठनों की कॉल अप सूची तैयार करना, तीसरा एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ए डिजास्टर आपदा से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का स्थापना, और चौथा ट्रेनिंग स्टाफ कर्मचारियों का प्रशिक्षण। नहीं, आप लोग यहाँ पे फेल कर गए, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 निकासी इवैक्यूएशन। भाई अब डिजास्टर हो रहा होगा, आग लग रहा है या भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो मतलब वो हम लोग की तरफ गांव में कहा जाता है कि भोज के समय कोहरा रोपना, मतलब कि अब किसी को पार्टी दे रहे हैं, पार्टी के समय हम लोग जा रहे हो सारे मुर्गा अंडा को देने, मतलब अंडा को हेच करने की, भाई उससे मुर्गी निकलेगी, मुर्गी को फिर काटेंगे तब किसी को पार्टी देंगे, तो वो वाला कंडीशन हो जाएगा। बाकी जो 2, 3, 4 ऑप्शन है वो उस टाइप का आंसर है कि भाई अभी उसका कॉल अप लिस्ट बनाएंगे, वहां पे उसका ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ये सारा जो है वो पहले किया जाता है, फिर मैं जैसे हैंडल करना है डिजास्टर को उसका सारा प्रोसीजर पहले किया जाता है, ट्रेनिंग स्टाफ को ट्रेनिंग पहले दिया जाता है, नहीं कि हाँ देखो भाई बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ का पानी को बाल्टी बाल्टी ऐसे निकाला जाता है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आज का रहा लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको जो मन कर रहा है आप अपना सर लाल वाले बटन पे पटक दीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन बेल का घंटा बजा दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे जितने जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आपको रेफरेंसेस बुक्स या PDF पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आप इस सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। मेरे अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं तो वहां पे मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।